इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट टू की, तो चलिए स्टार्ट कर दें। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट टू, जिसे हम जीओसी सेकंड के नाम से भी जानते हैं। जीओसी सेकंड में हमें मेनली चार टाइप की रिएक्शन पर बात करनी है। पहली रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, दूसरी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरी है एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फोर्थ है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड क्लीवेज हमने दो टाइप में डिवाइड करा हुआ है, हेट्रोलाइटिक एंड होमोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज जब भी होगा तो कैटायन एंड एनायन फॉर्म होने वाला है, और होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो कार्बन फ्री रेडिकल हमारे पास फॉर्म होने वाला है। ऐसी रिएक्शंस जिनमें पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल करे, उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करे, उस रिएक्शन को नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें पहला अटैक कार्बन फ्री रेडिकल करे, उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन देता है इसकी बात कर लेते हैं। अल्गीन्स देते हैं, अल्काइन्स देते हैं, एल्काडाइन्स देते हैं, मतलब जिनके पास दो डबल बॉन्ड होते हैं। अल्कीनाइन्स देते हैं, जिनके पास डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं। इन्हें हमें याद रखना है, थोड़ा मेमोराइज करके रखना है, हम इन्हें भूल नहीं सकते। अगर भूल गए तो कन्वर्जन के क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, ये ध्यान रखें। सेकंड अगर बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में NAR के नाम से जानते हैं, कौन कौन देता है? एल्डिहाइड देता है, कीटोन देता है और कुछ साइनाइड देते हैं। मेनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है NAR। नेक्स्ट अगर बात करें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में FAR के नाम से जानते हैं, अल्किन एंड अल्काइन ये रिएक्शन देते हैं। तो आप जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मूव करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए मूव करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसे हम AR के नाम से जानते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं AR। AR में पहला पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन आर AR, मतलब अल्कीन और अल्काइन है तो AR वो देगा ही, ये कंफर्म है, क्योंकि उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। सेकेंड पॉइंट पर अगर मूव करें, इन जनरल अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन टुवर्ड्स AR बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इन जनरल अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्काइन के कंपैरिजन में टुवर्ड्स AR बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहां पर हम बात करें किस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहां पर मैंने दो कार्बन का अल्कीन लिया हुआ है, यहां पर दो कार्बन का अल्काइन गिवन है भाई। इन दोनों की अगर मुझे रिएक्टिविटी कंपेयर करना पड़े कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो AR है तो पहली अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है, तो यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाएंगे भाई। यहां पर भी मैंने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया। इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा भाई इस कार्बन पर, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। यहां पर भी ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है? यहाँ है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ टेक करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ टेक करने वाला है, तो कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट फॉर्म होने वाला है हमारे पास। इस तरह के दो इंटरमीडिएट फॉर्म हुए हैं, और इन दोनों में अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं तो यहां पर इस कार्बन की EN है 2.5, इस कार्बन की EN है 2.75,
ज्यादा ईएन वाले पर पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होता है, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होने वाली है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ईएआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी आने वाली है टुवर्ड्स ईएआर। तो आप जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मूव करते हैं क्वेश्चंस पर। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो ये है, अरेंज द फॉलोइंग फॉर रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर के फॉर्म में हमें अरेंज करना है टुवर्ड्स ईएआर, ईएआर के रेस्पेक्ट में। भाई पहला क्वेश्चन यहां पर अगर देखें तो यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट अल्कीन एंड अल्काइन गिवंस हैं, उन्हें हमें अरेंज करना है टुवर्ड्स ईएआर रिएक्टिविटी। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। भाई ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। एक बात साफ है इन तीनों में कि एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है अल्काइन से, मतलब 1-2 की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी 3 से, तो ये थर्ड नंबर पर आने वाला है भाई। ठीक है, इन दोनों में अगर देखें तो नेगेटिव की हमें चिंता नहीं करनी है, उस पर कौन अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, हमें सिर्फ पॉजिटिव को देखना है। यहां पर पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, एच इफेक्ट जरूर लग रहा है, अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं 3 है, लेकिन यहां पर कोई एच इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी देन इसकी देन इसकी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को देखें तो यहां पर भी हम सबसे पहले बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, बॉन्ड को शिफ्ट करा, इस तरह का हमारे पास कार्बोकैटायन बना है भाई। इन तीनों में अगर देखें तो इन तीनों में यहां पर अल्फा हाइड्रोजन बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर हमारे पास 3 है, सेकंड वाले में रेजोनेंस लग रहा है एंड यहां पर माइनस आई लग रहा है, प्लस की स्टेबिलिटी प्लस वाले बनाने वाले हैं, रेजोनेंस से चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है, सबसे फर्स्ट नंबर पर ये, सेकेंड पर ये एंड थर्ड पर ये आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहां पर हमें गिवन है, तो सबसे पहले पॉइंट क्या करना है, बॉन्ड को शिफ्ट करना है, कार्बोकैटायन बनाना है, बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा आप यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और यहां CH3 यहां पर एच इफेक्ट लगाने वाला है, अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 3 होने वाले हैं इन जनरल अभी बात करें तो। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर इसका प्लस एम इफेक्ट लगने वाला है, OCH3 का प्लस एम इफेक्ट लगने वाला है और NO2 का माइनस एम, प्लस की स्टेबिलिटी प्लस वाले बनाते हैं, एम इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहां पर मैंने सिर्फ यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन लिए हैं, अगर टोटल देखेंगे तो टोटल इसके पास अगर इलेक्ट्रोफाइल एच के अलावा कोई होता है तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 5 होने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहां पर अलग अलग दिया हुआ है, तो सबसे पहले बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, बात यह है कि ये बेंजीन के बॉन्ड को शिफ्ट करें या अल्कीन वाले बॉन्ड को शिफ्ट करें, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसकी है, अल्कीन एंड अल्काइन की, तो अल्कीन एंड अल्काइन के बॉन्ड को ही हम शिफ्ट करेंगे, ये ध्यान रखें। तो यहां पर हमने यहां पर एक बॉन्ड शिफ्ट किया, यहां नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ये बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सब में इस तरह का ही बनने वाला है कार्बोकैटायन। देन यहां पर जो ग्रुप्स अरेंज हैं ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में, सब में एक जैसा रेजोनेंस होने वाला है। नेक्स्ट अगर मूव करें तो यहां पर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सब अलग अलग गिवन है, CH3 यहां पर प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, Cl माइनस आई, OCH3 प्लस एम, NH2 इज प्लस एम, इन दोनों में अगर प्लस एम कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की ईएन कम है तो वो ज्यादा अच्छा डोनर होगा, तो प्लस एम इसका ज्यादा होने वाला है, जितना ज्यादा प्लस एम होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होने वाली है, तो ऑर्डर आने वाला है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ।
नेक्स्ट यहां पर देखें तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, तो यहां पर बॉन्ड को शिफ्ट करा मैंने, यहां नेगेटिव एंड यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव एंड यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव एंड यहां पॉजिटिव। यहां पर दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, CH3 का हमें प्लस एच इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड यहां पर भी प्लस एच। यहां पर देखें CH3 का प्लस एच, OCH3 का प्लस एम, यहां पर प्लस एच और NH2 का प्लस एम। इन दोनों में प्लस एम प्लस एच लग रहा है तो, लेकिन प्लस एम NH2 का ज्यादा है तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होने वाली है। सबसे फर्स्ट नंबर पर ये, सेकंड नंबर पर ये एंड थर्ड नंबर पर ये आने वाला है भाई। तो आप जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे मूव करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर यह आ रहा है कि अगर हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है तो हम उसका रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपांशन करने वाले हैं, क्योंकि हम उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी आने वाली है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। पहला पॉइंट है दोज रिएक्शन इन विच इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपांशन विल ऑल्सो टेक प्लेस। ऐसी रिएक्शंस जिनमें आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है तो उनमें रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपांशन देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट, पॉजिटिव ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन कैन नॉट बी रीअरेंज फर्दर। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर आता है तो आप उसे फर्दर रीअरेंज नहीं करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज डन इन सच ए मैनर दैट न्यू फॉर्म कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन द प्रीवियस वन। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि आप रीअरेंजमेंट कुछ इस तरह से करेंगे कि जो नया बनने वाला कार्बोकेटायन है वो पुराने वाले से क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो। अगर बराबर होगा तब भी हम रीअरेंजमेंट नहीं करने वाले हैं, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर शिफ्टिंग ऑर्डर पर बात करें तो सबसे पहले 1-2H- शिफ्ट होती है, देन PH-, देन 3 degree, देन 2 degree, देन 1 degree, देन CH3- शिफ्ट। एग्जाम्पल पर मूव करते हैं कि हम किस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहां पर पॉजिटिव आ रहा है। अभी इसकी बात करें तो अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन की जगह अगर इस कार्बन पर आ जाता है तो इसके अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, H- को शिफ्ट करेंगे। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे मैं 1 नंबर देता हूं और जहां से मुझे शिफ्ट करना है H को उसे मैं 2 नंबर देता हूं। तो मुझे क्या करना है, 2 से उठाना है एच और कहां पर पुट करना है, 1 पर। तो यहां पर मैं 1-2H- शिफ्ट करने वाला हूं। क्या कि ये H जो है अपना इलेक्ट्रॉन प्लस इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है और इस कार्बन पर अटैक करता है तो इसकी कमी फुलफिल हो जाती है। तो इस तरह का एक इंटरमीडिएट फॉर्म होने वाला है। यहां पर इस पर कमी आ चुकी है इसलिए इस पर पॉजिटिव, इसकी कमी फुलफिल हो चुकी है तो इसका न्यूट्रल हो जाता है चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाता है। अब यहां पर अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं 6, इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए हम रीअरेंज करेंगे। तो आप जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मूव करते हैं आगे। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, रिंग एक्सपांशन पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन हम किस तरह से करते हैं चलिए देखते हैं। रिंग एक्सपांशन इज पॉसिबल व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एडजेसेंट आउटसाइड टू द रिंग एंड डन इन सच ए मैनर। पॉइंट क्या है यहां पर, पॉइंट ये आ रहा है कि रीअरेंजमेंट
हम कब करेंगे, जब हमारा पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट आउटसाइड टू द रिंग प्रेजेंट हो। हम इस तरह से करेंगे कि अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज ये आ रहा है तो हम इस तरह से एक्सपांड कर देंगे, यहां पर इसका डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है तो इससे ज्यादा स्टेबल ये होने वाला है। ये एडजेसेंट आउटसाइड टू द रिंग प्रेजेंट है तो हम इसे 5 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, एक्सपांड कर देंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी रिंग होगी उतना चार्ज स्टेबल होने वाला है। यहां पर 5 कार्बन की रिंग के एडजेसेंट आउटसाइड पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था तो हमने इसे 6 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। आपके लिए सिर्फ ये 3 एग्जांपल हैं एक्सपांशन पर, इसे याद रखो बस। इसके अलावा रिंग एक्सपांशन में आपके लिए कुछ नहीं है, तो आप जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट अगर एंड ऑल्सो फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन आफ्टर शिफ्टिंग। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। अभी अगर यहां पर देखें तो अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास अभी 2 हैं भाई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां से उठकर अगर यहां पर आ जाता है तो इसके अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट करने वाले हैं। हमारे पास H है तो हम H माइनस को शिफ्ट करने वाले हैं, तो यहां पर हम 1 to H- शिफ्ट करेंगे। इस तरह का हमारे पास कार्बोकेटायन आने वाला है, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन अगर देखें तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां, 3 यहां, तो टोटल हमारे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं, तो इससे ज्यादा स्टेबल ये हो रहा है। और रीअरेंजमेंट का चांस है कि अगर यहां पे करता हूं तो दोबारा से मेरे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे, इस जैसा ही बनने वाला है, तो रीअरेंजमेंट नहीं करूंगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या करना है, यहां पर अभी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन अभी यहां पर 2 है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज उठकर यहां की जगह यहां पर आ जाता है इस कार्बन पर तो ये रेजोनेंस में चला जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो मैं यहां पर 1 to H- शिफ्ट करने वाला हूं। ये रेजोनेंस में चला गया है इसलिए ज्यादा स्टेबल हो चुका है, अब कोई चांस नहीं है आगे रीअरेंजमेंट करने का। तो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट और सॉल्व करो, कमेंट कर बताओ कितने सही जा रहे हैं भाई। तो भाई कर लिए होंगे आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व, तो चलिए डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर देखें तो यहां पर अभी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 2, अगर यहां पर अगर मैं 1 to H- शिफ्ट करता हूं तो मेरा पॉजिटिव चार्ज यहां से उठकर कहां आने वाला है, यहां आने वाला है, तो इस तरह का मेरे पास स्ट्रक्चर बनने वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 3 यहां पर, 2 यहां पर, अल्फा हाइड्रोजन 5 हो चुके हैं। और रीअरेंजमेंट का चांस है क्या, अगर ये पॉजिटिव उठकर इस कार्बन से इस कार्बन पर आ जाता है तो ये रेजोनेंस में जाने वाला है और रेजोनेंस में ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां पर मैं दोबारा 1 to H- शिफ्ट करूंगा और मेरा कार्बोकेटायन यहां पर आ चुका है और ये रेजोनेंस में आ चुका है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर देखें तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, अभी अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर। अगर ये इस H+ को अगर मैं शिफ्ट करूं यहां पर तो कार्बोकेटायन मेरा यहां पर आने वाला है, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने वाले हैं, ज्यादा स्टेबल होने वाला है, यहां पर मैं 1 to H- शिफ्ट करने वाला हूं, तो अल्फा हाइड्रोजन बात करें यहां पर तो 3 यहां पर हैं, 3 यहां पर हैं, 3 यहां पर हैं,
9 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं, ज्यादा स्टेबल हो चुका है, और रीअरेंजमेंट के चांसेस हो सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव यहां पर आता है तो अल्फा हाइड्रोजन कम होने वाले हैं, डीस्टेबलाइज होने वाला है, तो हम रीअरेंजमेंट फर्दर नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, अगर ये यहां पर आ जाता है तो ज्यादा स्टेबल होने वाला है। अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0 अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर। अगर यहां पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने वाले हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास H माइनस नहीं है शिफ्ट करने के लिए, इसलिए हम CH3 माइनस को शिफ्ट करने वाले हैं। तो यहां पर 1 टू CH3 माइनस शिफ्ट होने वाली है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आने वाला है। अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 थे, अभी अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 3 यहां पर हैं, 3 यहां पर है और 2 यहां पर हैं, तो टोटल हमारे पास 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 1 है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज उठकर यहां पर आ जाता है तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो यहां पर मैं 1 टू H- शिफ्ट करने वाला हूं। पॉजिटिव चार्ज यहां पर आने वाला है, अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, तो टोटल हमारे पास हो चुके हैं 3+2 5+2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं, ज्यादा स्टेबल हो रहा है। और कोई रीअरेंजमेंट का चांसेस है क्या, अगर पॉजिटिव यहां पर उठकर आता है तो अल्फा हाइड्रोजन कम होने वाले हैं, डीस्टेबलाइज होने वाला है, इसलिए हम फर्दर रीअरेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो यहां पर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, अभी यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर 1 है, टोटल हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये पॉजिटिव उठकर इस पर आ जाता है तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, तो ज्यादा स्टेबल होने वाला है, तो यहां पर मैं 1 टू H- शिफ्ट करने वाला हूं। यहां पर अगर मैं 1 टू H- की शिफ्टिंग करूं, यहां पर इस तरह का केटायन बनने वाला है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 7 होने वाले हैं, इससे ज्यादा स्टेबल है तो हम रीअरेंज करेंगे। अगर इसका फर्दर रीअरेंजमेंट करें तो कम स्टेबल होने वाला है, या तो यहां पर आएगा या यहां पर आएगा, यहां पर आएगा तो ऐसा ही बन जाएगा और यहां पर आएगा तो भी ऐसा ही बन जाएगा, क्योंकि सिमिलर ही है भाई, ठीक है। तो हम रीअरेंजमेंट नहीं करने वाले हैं क्योंकि डीस्टेबलाइज हो रहा है, पहले 7 हैं फिर 4 होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं, तो कम स्टेबल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर शिफ्ट हो सकता है या यहां पर शिफ्ट हो सकता है, अगर यहां पर शिफ्ट होगा तो ज्यादा स्टेबल होने वाला है, तो यहां पर लेकिन H नहीं है मेरे पास शिफ्ट करने के लिए, तो मैं CH3- को शिफ्ट करने वाला हूं। यहां पर मैं 1 टू CH3- को शिफ्ट करूंगा। अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, 3 यहां पर हैं, 4, 5 और 6, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 2 थे, तो इससे ज्यादा स्टेबल ये बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर डिस्कस करें, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं शिफ्ट करता हूं यहां पर, तो यहां पर 1 2 अगर H- शिफ्ट करता हूं तो इस तरह का मेरे पास बनने वाला है। यहां पर अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने वाले हैं, होने वाले हैं 2 यहां पर और 0 यहां पर, तो यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन होने वाले हैं, और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर होंगे तो ये कम स्टेबल हो रहा है, तो हम इसे रीअरेंज नहीं करने वाले हैं। और यहां पर करोगे तब भी आपके अल्फा हाइड्रोजन कितने आने वाले हैं, 4 आने वाले हैं, तो सेम हो रहा है, तो हम इसका रीअरेंजमेंट फर्दर नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहां पर 5 कार्बन की रिंग बनाई हुई है, उसके एडजेसेंट आउटसाइड पर पॉजिटिव चार्ज गिवन है, तो हम इसका रिंग एक्सपांशन करने वाले हैं और इस तरह का हमारे पास एक कार्बोकेटायन बनने वाला है। तो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे मूव करते हैं। बस तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।